बिहार के गया में पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने चुनावी जनसभा की। चुनावी जनसभा के दौरान तेजस्वी यादव ने एनडीए पर जमकर तंज कसा। यह भी कहा कि मोदी सिर्फ चुनाव के समय ही आते हैं, मोदी ने गांवों के लिए कुछ नहीं किया है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कहा कि चाचा जी पलट गए, उन्हें हाईजैक कर लिया गया। तेजस्वी यादव ने गया में अपने गया लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी कुमार सर्वजीत के प्रचार में यह चुनावी जनसभा की। भाजपा एनडीए पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। तेजस्वी यादव ने परिवारवाद पर भी प्रधानमंत्री को घेरते हुए कहा कि मोदी जी जब भी बिहार आते थे तो परिवारवाद पर बोलते थे, लेकिन अब यह परिवारवाद पर नहीं बोल रहे हैं। वह परिवारवाद पर इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि गया में एनडीए से हम के प्रत्याशी जीतन राम मांझी है, तो क्या जीतन राम मांझी परिवारवादी नहीं है? उनके बेटे समधन को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसी प्रकार नवादा में सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर को प्रत्याशी बनाया गया है। औरंगाबाद में सुशील सिंह के बारे में भी आपको पता है। वहीं जमुई में चिराग जी के जीजा जी जो प्रत्याशी बनाए गए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि यह तो वही बात हो गई कि यह लोग करे तो सब ठीक, लेकिन और कोई करे तो गलत। जिला परिषद के सदस्य जुटे हैं, उसका भी हम स्वागत करते हैं और मोहनपुर की महान जनता को प्रणाम सलाम करते हैं। सभी मीडिया के दोस्तों, आज आप लोग सब लोग यहाँ आए हैं इतनी गर्मी में और चुनावी जनसभा चल रही है। ये चुनाव कोई मोदी जी का चुनाव नहीं है, बल्कि मुद्दे का चुनाव होना चाहिए और हमारे नजर में सबसे बड़ा अगर मुद्दा है तो बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीबी है, पलायन है, किसानों की समस्या है, शिक्षा है, चिकित्सा है, ये सारा मुद्दे पर जो है चुनाव होना चाहिए। आप लोग जनप्रतिनिधि चुनते हैं ताकि आपको आपकी समस्याओं को दूर किया जाए, विकास के कार्य हो, सदन में आपके क्षेत्र के लिए आवाज उठाए, आप लोग ऐसा सांसद चुनिए। इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल ने कुमार सरबजीत जी को यहाँ का उम्मीदवार बनाया है। कुमार सरबजीत जी आपके घर के बेटे हैं, इनके पिताजी का गया के लिए सामाजिक न्याय के लिए कितना बड़ा योगदान रहा, ये आप सब लोगों से छुपा नहीं है। और अपने पिता के कार्य को आगे बढ़ाते हुए सरबजीत जी पर्यटन मंत्री भी रहे, कृषि मंत्री भी रहे और आज अगर आप बोध गया चले जाइए, इनके क्षेत्र चले जाइए तो एक ऐसा गांव नहीं जहां सड़क नहीं हो, एक ऐसा गांव नहीं जहां पुल की कमी हो। आप एक बार जाकर के देखिए, हर जगह रोड, हर जगह पुल, हर जगह विकास के काम इनके क्षेत्र में हो रखा है। यही 17 महीने में कितनी योजनाएं, चाहे सड़क का हो, टूरिज्म डिपार्टमेंट का हो, पुल पुलियों का हो या नगर विकास आवास का हो, सारी समस्याओं के लिए लगातार इन्होंने आवाज उठाया और सारा काम कराया, पास कराया। हम लोग तो काम कर रहे थे, लगे इधर चाचा जी पलट गए। अब बताइए, इतने नौजवान प्रत्याशी हैं, इतना सज्जन व्यक्ति है, मिलनसार व्यक्ति है, हम लोगों ने अच्छा प्रत्याशी दिया तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इनको भारी मतों से जिताने का काम कीजिए।
आप लोग बताइए जिताइएगा कि नहीं जिताइएगा, दोनों हाथ उठा करके बताइए पीछे से जिताइएगा तो ये आपके लिए काम करेंगे, नेता बन के नहीं बल्कि आपका बेटा बनकर के काम करेंगे, आपका भाई बनकर के काम करेंगे। अब चाचा जी पलट गए उनको हाईजैक कर लिया ना सर, अब हाईजैक हो गए बताओ। कल मोदी जी का पैरवे छू रहे थे, आज तक कभी देखे हैं क्या स्थिति होगी, हमको दुख हुआ, हमको दर्द हुआ। तो ये बिहार के नेता जो सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री है वो मोदी जी का पैर छू रहे हैं, पैर दबा रहे हैं, क्या हो गया भाई, क्या हो गया? अब तो बहुत चिंता है, वो तो 4 लाख सीट बता दिया एमपी का, 4 लाख से बोलते बोलते 4,000 कर दिए, घटा दिए भाजपा का, बताइए क्या स्थिति बनी हुई है। तो मौके का लोगों ने फायदा उठाया, भाजपा के लोगों ने उनको हाईजैक कर लिया, क्योंकि देश भर से आवाज उठ रही थी कि तेजस्वी ने जो 17 महीने में किया 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे करके, वो देश में कहीं नहीं हुआ, किसी राज्य में नहीं हुआ, केंद्र सरकार में नहीं हुआ। इसलिए भाजपा का लोगों का टेंशन बढ़ा हुआ था, अगर ये ऐसे ही करता रहेगा तो 2 साल के भीतर 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे देगा। हम नौकरी दे रहे थे, उन लोग मेरा सरकार गिरा रहे थे। हम लोग आशा ममता का मानदेय को दुगुना कर दिया, 2500 कर दिया, तालमी मरकज विकास मित्र टोला सेवक के मानदेय को डबल कर दिया। हम लोग चाहते थे पेंशन की बढ़ा दिया जाए, इस काम में लगे। हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया, उसके तहत हम लोग योजना बना रहे थे, आंकड़े आ गए थे जाति आधारित गणना का कि किसकी कितनी संख्या है, कौन जाति की, और संख्या के साथ साथ कौन परिवार, कौन व्यक्ति गरीब है, किसको आर्थिक सहायता चाहिए, उसको हम लोग योजना बना रहे थे। उसमें पता चला कितना लोग बिहारी मजदूर है, कितना लोग नाला साफ करता, कितना लोग जो है भूमिहीन है, कितना लोग का घर पक्का नहीं है, किसकी क्या स्थिति है, कितना गरीब है, उसके लिए हम लोगों ने बनाया था योजना, बस वही लागू करना था। तो बीजेपी हाईजैक कर लिया था।